नमस्कार साथियों साथियों, आज भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी 12वीं कक्षाओं के छात्रों की परीक्षाओं को लेकर, और इसके जो नतीजे हम लोग देख रहे हैं उन नतीजों से भारतवर्ष के 12वीं कक्षा के जो जितने भी छात्र हैं उनको असमंजस में डाल दिया है, असमंजस की स्थिति में उनको लाकर रख दिया है कि किस तरीके से कई निर्णय जो हैं वो प्रदेश की सरकारों पर डाल दिए, और किस तरीके से बोला कि जो परीक्षाएं वो होंगी परंतु ये नहीं बताया कि कब होंगी, अगर कब होंगी तो उनका किस तरीके से एनुअल ईयर जो है वो इन छात्रों का बचाया जाएगा। अगर ये परीक्षाएं करवाएंगे तो जो हमें पता है कि अधिकतम जो छात्र हैं वो 18 आयु साल से कम के छात्र होते हैं जिनको अभी तक वैक्सीन किसी को नहीं लगी है, उसका आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ प्लान क्या है सरकार के पास कि उनको बिना वैक्सीन लगाए हम कैसे उनकी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। तो इन सभी असमंजसों को देखते हुए हमारा भारत सरकार से यही अनुरोध है कि सभी 12वीं कक्षा के छात्रों को जो है वो प्रमोट किया जाए, उनकी इंटरनल असेसमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाए, और किसी और प्रक्रिया के तहत उनकी होम असेसमेंट एग्जाम्स लेकर जो है उनको प्रमोट किया जाए, ताकि इस असमंजस की स्थिति से, जिस असमंजस के कारण मेंटल प्रेशर भी जो है इन छात्रों को झेलना पड़ रहा है, उन मेंटल प्रेशर से छात्रों को बाहर निकाला जाए, और ये भी चीज सुनिश्चित की जाए कि कम से कम हम उनका इस साल का जो एनुअल ईयर है वो किसी तरीके से हम बचाया जा सके। इसलिए इस समय की यही प्रकार है कि हम इन छात्रों को जो है किसी न किसी इंटरनल असेसमेंट के द्वारा जो है उन्हें प्रमोट किया जाए। जय हिंद, जय भारत।